नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाई एफ एम सिक्योरिटी में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आईपी कैमरे में होती है, आईपी बार बार चला जा रहा है, आईपी बार बार कनेक्ट हो रहा है, डिसकनेक्ट हो रहा है, कैमरा आ रहा है और जा रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे आए हैं। और अब तक पीओई स्विच की जो परिभाषा है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई, लोग नहीं समझ पाए, या तो लोग बहुत ज़्यादा हैवी पीओई स्विच ले ले रहे हैं या बहुत कमजोर ले ले रहे हैं, कंपेटेबल नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण दिक्कत होती है। 10-12-15 कैमरे चल रहे हैं, एक कैमरे में प्रॉब्लम आ गई, अब उसके लिए अलग से पीओई स्विच तो नहीं खरीद सकते, कॉस्टली है, तो क्या इसमें किया जा सकता है, चलिए आज इस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये परेशानी जो है दो कारण से ज्यादा होते हैं, एक तो आपने अगर राउटर लगाया ऑनलाइन किया तो इसके कारण आपके आईपी चेंज हो जाते हैं, और कभी कभी ऑटोमेटिक अपने आप भी आईपी चेंज होते हैं, तो आईपी चेंज होने के कारण भी ये इशू आती है। दूसरी समस्या पावर ड्रॉप, तो चलिए दोनों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपी जो अपने आप जो बदल जाता है इसके बारे में, तो आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब भी राउटर को DBR से हम ऑनलाइन करते हैं तो जैसे कोई अदर राउटर आता है तो फिर उसके हिसाब से आईपी बदलता है, नया कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर आप वहाँ पर D-Link का राउटर लाते हैं या फिर आप TP-Link का लाते हैं, दोनों का अलग अलग आईपी एड्रेस है, 192.168.0.1 किसी का, तो किसी का 192.168.1.1 है, तो उस समय आप जो आप राउटर से कनेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका जो आईपी जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है सारा, आपके कैमरे का, आपके NVR का। बट अगर आपने सब कुछ कर रखा है, बाद में आप राउटर को चेंज कर रहे हैं, बाद में अगर आप D-Link लगा रहे हैं या फिर बाद में आप किसी और ब्रांड का लगा रहे हैं, तो आईपी अगर दूसरा है यानी कि 192.168.1.1 है, तो फिर वहां पर जैसे आप ऐड कीजिएगा सारा कैमरा आपका बंद हो जाएगा, या कोई कैमरा बंद हो जाएगा, या फिर आपका ऑनलाइन नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो वहां पर क्या है कि या तो आपको जैसे आपने उस राउटर को कनेक्ट किया अपने NVR से, आपको उसके अनुसार यानी कि जो गेटवे है यानी 192.168.1 के बाद जो 1 है ये गेटवे है, 0 है तो वहाँ पर गेटवे है, तो इसके हिसाब से आपको सारा आपको जितना भी आईपी है, कैमरा लगा हुआ है और NVR लगा हुआ है, सबका बंद कर, सबका चेंज करना होगा टोटल। अब सबका चेंज करना तो मुश्किल है, तो यहाँ पर तो सावधानी यही है कि आप जो है राउटर का ही आईपी एड्रेस चेंज कर दीजिए, बट अगर कोई और भी कनेक्शन उसमें की हुई है ऑफिस वगैरह में तो फिर दिक्कत है। अगर आपने घर में सिंगल उसी चीज़ के लिए राउटर लिया तो उसका आईपी आप चेंज कर दीजिए, तो आसान हो जाता है आपके लिए। याद रखिएगा कोई भी अदर डिवाइस जैसे आता है आपका राउटर या ऐसा कुछ भी, उसका अपना आईपी होता है, उस हिसाब से आईपी बदल जाता है, तो आपको उसी के हिसाब से चलना है। मेरे हिसाब से तो मैंने अब तक जो मैंने D-Link का राउटर यूज़ किया है और काफ़ी बेहतर रहा है, बट जब भी TP-Link से मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि अक्सर जो है 192.168.1 के हिसाब से मैक्सिमम जो है हिकविजन के खासकर आईपी कैमरा कनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये समस्या है, तो आपको देखना होगा कि आप या तो आईपी एड्रेस बदलिए राउटर का या फिर सारे कैमरे और NVR का, तब ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। एक तो ये, दूसरा क्या है कि अपने आप, आपने कुछ नहीं किया, अपने आप चेंज हो गया, अपने आप कोई कैमरा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? लेकिन याद रखिएगा अगर नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, याद रखिएगा नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप देखिएगा कि नेटवर्क अनरीचेबल है, ये इशूज़ है, तो इसमें क्या है कि आप तो DHCP जो डिजेबल कर दीजिए और कैमरे को मैनुअल ऐड कीजिए, ऑटो ऐड मत कीजिए, कैमरे को मैनुअल ऐड कीजिए, तो आपको ये समस्या दूर हो जाएगी। यहाँ तक दूर हुई है, मैंने ये किया, तो ये एक कारण है। दूसरा जो पावर ड्रॉप जो इशू है ये बहुत खतरनाक इशू है, पावर ड्रॉप इशू के कारण अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर समझ ही नहीं आता कि POE से तो पावर जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, और अब तो LED भी नहीं आता, तो LED भी नहीं जलता, जैसे कैमरे को आप चेक करते थे कि LED जल रही कि नहीं जल रही, पावर जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये इशू है। लेकिन पावर ड्रॉप की एक पहचान क्या है कि कैमरा जाएगा फिर थोड़ी देर बाद आ जाएगा, फिर कैमरा जाएगा फिर थोड़ी देर बाद आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये पावर ड्रॉप का इशू है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, देखिए अगर आपके कैमरे के पास कोई पोर्ट है तो वहां पर आप जो है स्विच लगाइए और अलग से एडाप्टर आप उस कैमरे में लगा दीजिए। जैसे आप पावर एडाप्टर लगाते हैं उस कैमरे में, पावर जो है वो POE के साथ लेना देना बंद हो जाएगा और सिर्फ डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन अगर आपने वहां पर पावर एडाप्टर नहीं लगा पा रहे हैं आप, तो फिर आपके पास क्या सॉल्यूशन है, आपके पास सॉल्यूशन है फिर आपको अलग से आपको जो POE आपने कनेक्ट किया है वहां पर POE के ऊपर PVC वाला जो अलग से कोटिंग होती है उसको आपको हटाना होगा। हटाने के बाद आपको वहीं पर 4 चैनल का पावर सप्लाई आप यूज़ कर रहे हैं 8 का, तो वहीं पर हटा दीजिए, और हटाने के बाद उससे जो वायर, याद रखिएगा ब्लू और ब्लू वाइट वाला वायर जो है प्लस होता है, और ग्रे वाइट वाला यानी ब्राउन या ब्राउन वाइट वाला जो वायर होता है वो माइनस होता है, तो वहाँ से प्लस माइनस अलग से जो है PVC हटाइए, उस दो वायर को कट कर दीजिए, और कट करने के बाद उसे अपने DC पावर सप्लाई से ऐड कर दीजिए, और कैमरे के पास भी वहां से हटा दीजिए और उसको DC जैक लगा के कैमरे में
पावर दे दीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। उसी वायर से दिक्कत नहीं होगी आपको, उसी वायर से सारे काम हो, उसी वायर से आपका सारा काम हो गया, दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये परेशानी इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं पावर के इश्यूज के कारण। तो पावर अगर वहाँ पहुँच गया अलग तरीके से, पावर सप्लाई से, तो पीओई का काम क्या है? सिर्फ डेटा का। और पीओई में जो पावर आ रहा है अलग से, वो तो आप ले ही नहीं रहे क्योंकि उसका वायर आपने काट दिया, ना तो कैमरे के पास जा रहा है, वहाँ पर अलग से पावर सप्लाई से जा रहा है। तो एक इस तरीके को आप अगर यूज़ करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पीओई कैमरा जब भी लगता है, यहां पर पीओई स्विच जब भी लगता है, दिक्कत तो आती है, आज नहीं आती कल नहीं आती, बट दिक्कत आती है। और मैक्सिमम आईपी कैमरे के सेगमेंट में आपको पीओई स्विच के कारण ही परेशानी आती है, बाकी कैमरे के कारण बहुत कम, एनवीआर के कारण बहुत कम, पीओई स्विच के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। इसलिए आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।